अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान ने सियासी रणनीति तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव ने यह कहा है कि अयोध्या में सेना बुलवाई जाए। इसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा भी विरोध जारी है। आपको विदित हो कि 2019 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर यहाँ सियासी हलचल तेज है। एक तरफ शिवसेना और भाजपा के नेता अलग अलग दावे करते दिख रहे हैं, वहीं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को धार देने की तैयारी में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में फौज की तैनाती की मांग की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार आ रहे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को ना तो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना ही संविधान पर। उत्तर प्रदेश में खासकर अयोध्या में माहौल जिस प्रकार से है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सेना भेजनी चाहिए। बता दें कि शिवसेना प्रमुख द्वारा आज इस संबंध में अयोध्या में जाकर धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं शाम को अयोध्या में श्री राम की आरती कर शिवसैनिकों ने एक स्वर में कहा कि भाजपा कांग्रेस राम मंदिर नहीं बना सकती है, इसलिए उन्हें स्वयं जाकर इसकी नींव रखनी पड़ेगी। इस संबंध में शिवसेना के लोगों का कहना है कि बावरी विध्वंस को लेकर सबसे पहले शिवसेना आगे आई थी, इसी प्रकार राम निर्माण को लेकर भी शिवसेना सबसे आगे आएगी। वहीं बात इस बात पर अटक गई है कि अखिलेश यादव द्वारा हिंदू विरोधी बयान दिए गए हैं क्या, कि जिस प्रकार से अयोध्या में बवाल चल रहा है और इनके द्वारा जो बयान दिया गया है सेना बुलाने के संबंध में, तो इसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध जारी है। अब देखना यह है कि राम मंदिर कब बनेगा और रामलला को कब तक आश्रय मिलेगा और कब तक राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा। आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।